नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कम्युनल अवार्ड। देखो हुआ क्या था ना कि जब साइमन कमीशन आया तो उसने डिफरेंट इंडिया के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनसे बातचीत की। हालांकि मोस्ट ऑफ ने क्या किया था, विरोध किया था, पर जैसे डॉक्टर अम्बेडकर हुए, ऐसे कुछ और ग्रुप हुए, उन्होंने अपनी समस्याएं अपने जो जिस समाज को वो रिप्रेजेंट करते थे उसकी प्रॉब्लम्स वगैरह साइमन कमीशन में वो दर्ज करवाई। ये बात आपने भी याद रखनी है कि कभी कभी ना हम कभी विरोध में आकर बिल्कुल ही बायकॉट कर देते हैं, जबकि प्रॉपर चैनल का हम ढंग से यूज कर सकते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने समाज की समस्याएं जब दर्ज कराई, साइमन कमीशन को बताया कि मेरे समाज की हालत ये है, तो ये सब चीजें फिर बाद में हमने देखा कैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी इन चीजों को विचार अधीन रखा गया। तो इन सब चीजों के बाद क्या बना था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। उससे पहले ना सरकार ने ये देखा, हाँ भाई अगर हमने मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया है, अगर हमने सिक्स एंग्लो इंडियन क्रिश्चियंस इन सबको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया है, तो ये जो हमारे डिप्रेस्ड क्लासेस हैं जिसे शेड्यूल कास्ट कहते हैं, इनकी हालत भी काफी खराब है, तो इनकी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के लिए सरकार ने क्या किया था, इनको सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया था। पर उसके बाद क्या हुआ कि महात्मा गांधी इस स्कीम से खुश नहीं थे। उनका कहना था कि भी दलित और शेड्यूल कास्ट डिप्रेस्ड क्लासेस हिंदुइज्म का पार्ट है, इसे आप अलग आइडेंटिटी कंसीडर ना करो, अगर इनका उद्धार करना है तो विदिन हिंदू फोल्ड रहकर ही करना है, तो इनको सेपरेट आइडेंटिटी नहीं मानना। और गांधी जी का ये भी था कि हमारा दिल चेंज होना चाहिए अगर कास्टिज्म से लड़ना है। तो ये लंबा चौड़ा बाद में काफी हुआ था, एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। महात्मा गांधी ने आमरण अनशन रख लिया था पुणे की जेरवाड़ा जेल में, तो फिर एक लिमिट के बाद क्या हुआ, समझौता हुआ। डिप्रेस्ड क्लासेस की तरफ से डॉक्टर अम्बेडकर थे और इधर से मदन मोहन मालवीय, तो इन्होंने फिर समझौता करके जो सेपरेट इलेक्टोरेट है वो हटा दिया गया था और उसकी जगह पर रिजर्वेशन आई थी। ठीक है जी, तो ये कहानी थोड़ी पड़ी, इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इट वॉज ए स्कीम ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज अनाउंस्ड बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इन अगस्त 1932। ठीक है जी, कम्युनल अवार्ड तो किसने अनाउंस किया, चेक करना आपने गूगल में, मोस्ट पॉपुलर ये है रमन मैगसेसे। अलॉन्ग विद कॉन्टिन्यूइंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स, मुस्लिम के लिए तो पहले ही था सेपरेट इलेक्टोरेट, सिक्स के लिए भी 1919 वाले एक्ट में दे दिया गया था, उसी के साथ इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को भी ये वाला अधिकार था। द अवार्ड ऑल्सो एक्सटेंडेड इट टू द डिप्रेस्ड क्लासेस कॉल्ड शेड्यूल्ड कास्ट, तो सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस्ड क्लासेस को भी दे दिया गया, डिप्रेस्ड क्लासेस जिसे हम शेड्यूल कास्ट कहते हैं। शेड्यूल कास्ट का मतलब होता है कि जो उनके अपने एक डेफिनेट शेड्यूल में कास्ट की लिस्ट होती है, उनकी लिस्ट, तो उसको कह देते हैं कि ये कास्ट है हमने इस शेड्यूल में रखी है, तो इसलिए ये क्या है, शेड्यूल्ड कास्ट। महात्मा गांधी वाज नॉट हैप्पी ओवर दिस एक्सटेंशन, अब महात्मा गांधी खुश नहीं थे, उन्होंने क्या किया, टू अपोज द अवार्ड ही अंडरटुक फास्ट अनटू डेथ, उन्होंने आमरण अनशन रख लिया, मतलब भूख कुछ खाएंगे नहीं, चाहे मृत्यु क्यों ना हो जाए, चाहे मौत क्यों ना आ जाए, इन जेरवाड़ा जेल ऑफ पूना। तो कहां रखा गया था, हिस्ट्री का क्वेश्चन, पुणे की जेरवाड़ा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन रखा था। लेटर फिर बाद में क्या हुआ, एग्रीमेंट वाज रीच्ड बिटवीन द लीडर्स ऑफ द कांग्रेस, कांग्रेस के लीडर एक तरफ, मैंने बताया मदन मोहन मालवीय थे, इसको आपने कंफर्म कर लेना है, बेसिकली एग्रीमेंट आ गया, एंड द डिप्रेस्ड क्लासेस दूसरी तरफ, नोन एज पूना पैक्ट। तो उस एग्रीमेंट को क्या कहते हैं, पूना पैक्ट, क्यों, क्योंकि पूना में हुआ था। इट रिटेन द हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरेट, मतलब जो डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था वो हटा लिया गया और हिंदू ज्वाइंट इलेक्टोरेट रखा गया, सभी हिंदुओं के लिए एक इलेक्टोरेट होगा, मीन दलितों को शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट को शेड्यूल कास्ट ही सिर्फ वोट देकर नहीं चुनेंगे, सभी हिंदू वोट देकर चुनेंगे। एंड प्रोविजन वर मेड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस, और फिर डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन की प्रोविजन लाई गई। कभी कभी रिजर्वेशन की डिबेट पर यह बात होती है ना कि
देखो जी, रिजर्वेशन तो गांधी ने दी थी, हमने नहीं मांगी। तो वो ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात होती है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन मीन इलेक्शन वाले रिजर्वेशन। बाकी आपको पता है रिजर्वेशन और भी दो तीन प्रकार की होती है। जॉब्स में रिजर्वेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में है ना, पढ़ाई करने के लिए उनको सीट की रिजर्वेशन ऐसे। पर ये जहां क्या बात हो रही है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन मीन इलेक्शन लड़ने वाली। तो अब क्या है, उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से उनको सीट रिजर्व कर दी, पर सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया गया। आगे है जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, 1935 वाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो ये जो साइमन कमीशन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो ये सारा करते 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 इन सब का अमली रूप एक कानून के रूप में कब आया, 1935 वाले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आया। और हमारा भी संविधान है जो प्रेजेंट संविधान आजादी के बाद बनाया गया, तो उसका भी पैटर्न काफी इस एक्ट के बेस पर है। तो मेंस में ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि हमारा एक्ट संविधान 1935 एक्ट से हमने अपने संविधान में काफी प्रोविजंस ली है, ऐसे कुछ क्वेश्चन आता है। तो आपको ये वाला एक्ट पता होना चाहिए। इट वॉज ए लेंथी एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, काफी बड़ा था ये एक्ट। क्या था इसमें, द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन, मीन प्रॉपर ओवरऑल इंडिया की एक ऑल इंडिया फेडरेशन होगी, मीन फेडरेशन समिति, जिसमें डिफरेंट यूनिट होते हैं। ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और डिफरेंट यूनिट होते हैं जिसमें आपस में पावर की डिवीजन होती है। कंसिस्टिंग ऑफ प्रोविंसेस, किसको मिलाकर बनेगा ऑल इंडिया फेडरेशन, प्रोविंसेस को मिलाकर एंड प्रिंसली स्टेट को बनाकर मिलाकर। ठीक है जी, ये बात कही गई थी। द पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द यूनिट्स वर डिवाइडेड इन द टर्म्स ऑफ थ्री लिस्ट, सेंटर और यूनिट, यूनिट कौन से, प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स, उनमें आपस में क्या है, पावर की डिवीजन कर दी गई। एक था फेडरल लिस्ट फॉर द सेंटर, ठीक है जी, प्रोविंशियल लिस्ट फॉर द प्रोविंसेस, ठीक है जी, और द कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट जिसके ऊपर दोनों कानून बना सकते थे, सेंटर भी और प्रोविंसेस भी, फॉर बोथ द सेंटर एंड द प्रोविंसेस। द रेजिडरी पावर्स वर गिवन टू द वायसराय, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। देखो आज के समय में रेजिडरी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है, सेंटर के पास है। तो उस समय रेजिडरी पावर सेंटर के पास नहीं थी, किसके पास थी, वायसराय के पास। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। हाउएवर द फेडरेशन नेवर केम इन टू बींग, ये वाला फेडरेशन कभी बना नहीं, नेवर कभी बना नहीं। क्यों नहीं बना, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स थी ना, जो राजे रजवाड़े वाली स्टेट थी, उन्होंने इसको ज्वाइन करने से ना कर दिया। बिकॉज द प्रिंसली स्टेट्स डिड नॉट ज्वाइन इट, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोविंसेस। देखो जो प्रोविंसेस थे उसमें उनको ऑटोनॉमी दी गई भी, हाँ भी आप अपने अपने सब्जेक्ट पर कानून बना सकते हो। और भी कुछ प्रोविजन दी गई, वो कौन सी थी, ठीक है ना, रिप्लेसिंग द अर्लियर डायार्की, डायार्की को रिप्लेस कर दिया। 1919 वाला एक्ट डायार्की लेकर आया था, हमने पढ़ा कैसे रिजर्व सब्जेक्ट्स थे, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स थे, और जे वाली डायार्की हटा दी गई प्रोविंसेस में। नाउ द प्रोविंसेस वर अलाउड टू एक्ट एज ऑटोनोमस यूनिट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन देयर डिफाइंड स्फीयर्स। तो जो जो उनको सब्जेक्ट दिए गए हैं, उस सब्जेक्ट पर अपने हिसाब से वो कानून बना सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है जी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स इन प्रोविंसेस पर इंट्रोड्यूस्ड, प्रोविंस में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाई गई। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, कि गवर्नर अपने हिसाब से ही डिसीजन नहीं ले लेगा, उसको जनता के द्वारा चुने हुए नुमाइंदों से सलाह मशवरा करना पड़ेगा। इसलिए इसी तरह तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी ना। इट मीन्स द गवर्नर वॉज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स, जो मिनिस्टर्स हैं जो जनता के द्वारा चुने हुए हैं, उनकी एडवाइस से एक्ट करना है गवर्नर ने। जो कि ये मिनिस्टर क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। तो जो वहां के जो होते हैं ना, सदन होता है, विधानसभा वगैरह होती है, तो वहां से चुने हुए बंदे, उनमें से मिनिस्टर, और मिनिस्टर क्या है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और लेजिस्लेचर क्या है, जनता को रिस्पॉन्सिबल होती है। एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आ गई। ठीक है जी, दिस केम इन टू इफेक्ट इन 1937, 35 में एक्ट आया, 37 में ये वाली बात हो गई, पर क्या हुआ, एंड वॉज डिसकॉन्टिन्यूड इन 1939, 39 में डिसकॉन्टिन्यूड हो गया, 2 साल में ही डिसकॉन्टिन्यूड हो गया।
आप जरा सोच के देखो क्यों हो गया होगा। एक प्रोबेबल रीजन होगा क्योंकि उस समय 1939 में क्या था, दूसरी वर्ल्ड वार छिड़ गई थी। द एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द अडॉप्शन ऑफ डायार्की एट द सेंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो 19 वाले एक्ट में डायार्की कहां लाई गई थी, प्रोविंसेस में। 35 वाले एक्ट में प्रोविंसेस से डायार्की हटाकर कहां लाई गई, सेंटर में, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्री में। द फेडरल सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, वही बात हो गई, जो बात प्रोविंसेस में थी अब वो सेंटर में हो गई, क्योंकि सेंटर में डायार्की आ गई, इसलिए फेडरल सब्जेक्ट को दो हिस्सों में बांट दिया गया, रिजर्व सब्जेक्ट्स एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। However, this provision of the act never came into operation. ये भी लागू नहीं हो पाई, बात तो कही गई पर लागू नहीं हो पाई। अच्छा जी आगे है जी, the principle of communal representation was extended. जो communal representation थी, separate electorate वाला concept था, 1909 में मुस्लिम के लिए आया, हमने पढ़ा, 1919 में सिख के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, क्रिश्चियन के लिए, यूरोपियंस के लिए आया, और 1935 वाले एक्ट में क्या हुआ, इस कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड कर दिया, किसके लिए, बाय प्रोवाइडिंग सेपरेट इलेक्टर्स फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट, जो कि बाद में हटा लिया गया, एंड वोमेन एंड लेबर, ठीक है जी, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए लाया गया था हमने देखा, पर इसको हटा लिया गया। और वोमेन और लेबर ये आपने याद रखना है, 1909 में आया मुस्लिम के लिए, 1919 में आया सिख्स के लिए, इंडो एंग्लो इंडियंस के लिए, यूरोपियंस के लिए, क्रिश्चियंस वगैरह इन सब के लिए, और 1935 एक्ट में वोमेन और लेबर के लिए क्या है, सेपरेट इलेक्टोरेट आया, ये बात याद रखनी है आपने। द एक्ट एक्सटेंडेड द राइट टू फ्रेंचाइजी, मीन वोट देने का अधिकार बढ़ा दिया, पहले कम लोग वोट दे सकते थे, अब थोड़े और लोग वोट दे सकते हैं। नाउ अबाउट 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट, ठीक है जी, विद द एम ऑफ कंट्रोलिंग द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री, देश में कितना पैसा होना चाहिए, इस सब को कंट्रोल करने के लिए इस एक्ट ने मेड प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारे देश में इन्होंने कहा एक रिजर्व बैंक होनी चाहिए जो क्या करेगी, हमारे देश की क्या है, करेंसी और क्रेडिट को कंट्रोल करेगी, ठीक। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का की प्रोविजन किस एक्ट में थी, 1935 वाले एक्ट में, अलोंग विद द फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। देखो 1919 में ये कहा गया था एक पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए, इन्होंने बना दिया, पर अब क्या है, इन्होंने सेंट्रल लेवल के साथ साथ स्टेट मतलब प्रोविंशियल लेवल पर भी पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने की प्रोविजन दी। क्या कहा इन्होंने, द एक्ट आल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन एंड ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, आगे जाके हम पढ़ेंगे, एट प्रेजेंट भी यही है, ठीक है ना, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन प्रोविंस लेवल पर और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन किसके लिए, फॉर टू और मोर प्रोविंसेस, अगर प्रोविंसेस दो या दो से अधिक है तो उसके लिए ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रोविजन इस एक्ट ने दी। आपने याद रखना है पब्लिक सर्विस कमीशन किसने कहा, 1919 वाले एक्ट ने, उसके बाद फेडरल हो गया सेंटर का, उसके साथ साथ प्रोविंस और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की बात किसने कही, 1935 वाले एक्ट ने, ये जो बातें आपने याद रखनी है। अच्छा जी, इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरल कोर्ट, भाई अब एक आपकी फेडरल कोर्ट भी होगी। देखो अगर फेडरेशन की बात की है, फेडरेशन की बात की है, आपने कहा है कि सेंटर और स्टेट में क्या होंगे, सब्जेक्ट की डिवीजन होगी, तो अगर सेंटर और स्टेट में कुछ किसी इशू को लेकर पंगा हो गया, कुछ कंफ्लिक्ट पैदा हो गया, तो उसको निपटाने के लिए भी तो कोई कोर्ट होनी चाहिए, तो इसलिए इसने कहा कि एक फेडरल कोर्ट भी होनी चाहिए, विच वॉज सेट अप इन 1937। आपने याद रखना सुप्रीम कोर्ट और फेडरल कोर्ट में फर्क है, सुप्रीम कोर्ट तो हमने पहले पढ़ा कलकत्ता में की थी, कौन से, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के अंदर, पर जब फेडरेशन की प्रोविजन आई, सेंटर स्टेट के आपस में इशू जो सुलझाने की बात आएगी उसके लिए हम एक फेडरल कोर्ट बनाएंगे, ये 1935 वाले एक्ट के अंदर कहा गया था, तो जो कि 1937 में बनी नहीं बनी ये इतना मत याद रखो, हाँ भी फेडरल कोर्ट की बात किसने कही थी, 1935 वाले एक्ट में, उसके एक दो साल बाद ये बन गई थी, ठीक है जी, इस एक्ट को आपने पढ़ लेना है। आगे बात आती है जी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। देखो जो भारत की आजादी हुई ना, आजादी से पहले कई प्रकार के कंफ्लिक्ट थे, क्या पार्टीशन होगी,
पार्टीशन नहीं होगी, किसको कौन कौन सा एरिया मिलेगा, ठीक है जी। तो ये सब चीजों को मिला के जो जो चीजें तय की गई ऐसा होगा, तो उसको जब अमली रूप देने के लिए एक्ट लाया गया तो उसको कहते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ठीक, तो ये क्या था, इसके इससे पहले थोड़ी बैकग्राउंड पढ़ ले, पृष्ठभूमि पढ़ ले, क्या चक्कर था। देखो 1947 के शुरुआत में, मतलब फरवरी 20 में, चाहे फरवरी 20 आप ना याद रखो, इतना याद रख लो कि जिस साल हमको आजादी मिली उसके उस साल के शुरुआत में तकरीबन फरवरी में क्या हुआ, द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे कौन, क्लीमेंट एटली, ये याद रखना कौन थे, क्लीमेंट एटली, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन भी आ जाएंगे आपके। उसने डिक्लेयर किया कि दैट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वुड एंड बाय जून 30, 1948, अगले साल जून 30 तक हम यहां पर क्या है भारत को आजाद करके चले जाएंगे, अपना रूल समाप्त कर लेंगे। देयर आफ्टर उसके बाद क्या होगा, द पावर वुड बी ट्रांसफर टू रिस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स। ठीक, 30 जून 1948 के बाद हमारे जो इंडिया की पावर है रिस्पॉन्सिबल हैंड को हम देकर क्या कर देंगे, यहां से चले जाएंगे। इसे कहते हैं एटली डिक्लेरेशन। अब देखो बात तो हुई थी कि 1948 में जाएंगे, पर आप देखो पहले ही, काफी पहले ही इन्होंने क्या है 15 अगस्त 1947 को आजाद कर दिया। तो आप समझ सकते हो कि सारी चीजें कितनी जल्दी जल्दी हुई होंगी, मैनेजमेंट करना कितना मुश्किल हुआ होगा, आम जनता को कितनी परेशानियां आई होंगी। आफ्टर द अनाउंसमेंट, अब देखो जब उन्होंने कहा कि हम भारत को आजाद कर देंगे, अब मुस्लिम लीग का क्या था कि हमको एक सेपरेट मुस्लिम कंट्री मिले, भारत की पार्टीशन हो, तो उन्होंने अपनी एजिटेशन तेज कर दी कि जितना हो सकता है अभी हम सरकार के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं पार्टीशन के लिए, क्योंकि अगर अंग्रेज चले गए तो उसके बाद सेपरेट पाकिस्तान लेना या सेपरेट कंट्री लेना मुश्किल हो जाएगा, पार्टीशन करवाना मुश्किल हो जाएगा। तो इस अनाउंसमेंट के बाद द मुस्लिम लीग स्टार्टेड एजिटेशन, उन्होंने एजिटेशन शुरू कर दी डिमांडिंग पार्टीशन ऑफ द कंट्री। क्या थी डिमांड, कि कंट्री की पार्टीशन हो जाए, मुस्लिम लीग ने एजिटेशन शुरू कर दी। ठीक है, एजिटेशन किसके लिए, कंट्री की पार्टीशन हो। ठीक है जी, अगेन अब इस आपको पता है इसके बाद बहुत कुछ हुआ है ना, कितने दंगे वगैरह हुए ईस्टर्न इंडिया में हुए, ठीक वेस्टर्न इंडिया में हुए, तो वो एक अपनी हिस्ट्री है। तो इस सब के मद्देनजर बाद में क्या हुआ, जून में 1947 की जून में, कौन सी डेट थी, 3 जून 1947, इंपॉर्टेंट डेट है जी, इट वॉज मेड क्लियर बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कह दिया ठीक है हम ऐसा कोई संविधान नहीं बनाएंगे, एनी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया कैन नॉट अप्लाई टू दोज पार्ट्स ऑफ द कंट्री विच वर अनविलिंग टू एक्सेप्ट इट। भी ऐसा संविधान नहीं बनेगा कॉन्स्टिट्यूट असेंबली द्वारा कि जो कि हम जिसको हम किसी पर थोपे, मीन भारत की कंट्री का कोई पार्ट अगर चाहे कि हाँ भी हमको ये संविधान अस्वीकार्य है तो उसके ऊपर ये संविधान थोपा नहीं जा सकता। तो इसका इनडायरेक्ट मीन क्या हुआ, इनडायरेक्ट मीन यही हुआ कि अगर मुस्लिम लीग कह रही है कि हमने मीन यूनाइट नहीं होना, एक जगह नहीं रहना, हमको अलग से चाहिए पाकिस्तान, तो फिर उसको वो देना चाहिए, मीन एक संविधान उनको थोप नहीं सकते, कुछ ऐसा। ठीक है, अच्छा जी, फिर जून 3, 1947 को उसी दिन जो हमारा इंडिया का वायसराय था, कौन, लॉर्ड माउंटबेटन, कौन था वायसराय, लॉर्ड माउंटबेटन, पुट फॉर द पार्टीशन प्लान। तो वो पार्टीशन प्लान लेकर आया, आल्सो नोन एज द माउंटबेटन प्लान, इसको माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं। और जो इसका जो प्लान था, इसी का जो कानूनी रूप था, उसको कह देते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। द प्लान वॉज एक्सेप्टेड बाय बोथ द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। ये एक अपना प्लान था कि हाँ भी ईस्टर्न साइड में कौन सा एरिया किधर को जा सकता है, वेस्टर्न साइड में कौन सा एरिया किधर को जा सकता है, कैसे रेफरेंडम करवाना है, इसके अलग अलग प्रोविजन थी, वो हिस्ट्री का पार्ट हो जाएगा, हम उसमें नहीं जाएंगे। तो ये दोनों, ये वाला प्लान कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट कर लिया, एक हिसाब से आप कह सकते हैं हाँ भी अब कांग्रेस ने भी पार्टीशन को एक्सेप्ट कर लिया। टू गिव इफेक्ट टू द प्लान, इस प्लान को लागू करने के लिए गवर्नमेंट एनेक्टेड द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 क्या है, माउंटबेटन प्लान का ही क्या है अमली जमा, जो प्लान था उसको कानूनी रूप देने के लिए जो एक्ट आया उसे कह देते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ये थोड़ा लंबा एक्ट है,
इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। शुक्रिया जी, नमस्कार।